सिंचाई अनुमंडल अभियंता एनएस सावरकर पार्श्वनी एवं तहसील कार्यालय के माध्यम से तहसीलदार प्रशांत सागड़े के अनुसार पेंच परियोजना नवेगांव खैरी में बांध के किनारे 21 गांवों को प्राकृतिक आपदा समाधान अधिनियम 2005 के तहत सतर्क रहने को कहा गया है, जबकि बांध के किनारे 21 गांवों के किसानों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। पेंच परियोजना नवेगांव खैरी परियोजना बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं तहसील कार्यालय पार्श्वनी बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंच परियोजना नवेगांव खैरी का कुल क्षेत्रफल 325 मीटर इतना जल भंडार है और आज 10 जुलाई को 126.51 लीटर पानी आ गया है। 82.6% पानी जमा हो गया है। अगर पानी का संरक्षण किया जाता है और 85% पानी का संरक्षण किया जाता है तो आज रात कभी भी पेंच नदी में पानी छोड़ना पड़ सकता है। पेंच नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। तहसीलदार प्रशांत सांगड़े ने किया तो आज यानी 10 जुलाई को कुसुमधारा तुवरधारा क्षेत्र में मूसलधार बारिश के कारण क्षेत्र के नाले और नदियां उफान पर है। ऐसे में बाढ़ से अन्य गांवों के लिए बड़ा खतरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वीकेबी न्यूज के लिए पार्श्वनी से कमल यादव की रिपोर्ट। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।